दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधन में पेट्रोल और डीजल शामिल है। हालांकि अब बिजली से चलने वाले वाहन भी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन अभी ये पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की तरह सफल नहीं हो सके हैं। आपके पास भी कोई बाइक या कार जरूर होगी जिसमें आप पेट्रोल या डीजल का प्रयोग करते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पेट्रोल आखिर बनता कैसे है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर पेट्रोल बनता कैसे है। दरअसल पेट्रोल हमें एक काले और गाढ़े तरल पदार्थ से मिलता है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चट्टानों से निकलने वाला तेल। हजारों लाखों साल पहले पौधे और जानवर जमीन के अंदर पृथ्वी की उथल पुथल के कारण दब गए और अत्यंत दबाव और गर्मी के कारण यही मृत पौधे और जानवर पेट्रोलियम में बदल गए। मनुष्य ने समुद्र के अंदर पेट्रोलियम के ऐसे भंडार का पता लगाया और समुद्र की चट्टानों से इस काले तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर दिया। इस काले तरल पदार्थ यानी कच्चा तेल में पेट्रोल, नेपेट, कैरोसिन, डीजल, मोम, पिच आदि चीजें होती हैं। इस कच्चे तेल को साफ करने के लिए पेट्रोल रिफाइनरीज में भेजा जाता है, जहां इस कच्चे तेल को बड़े बड़े बेलनाकार बर्तनों में डालकर गर्म किया जाता है। अलग अलग तापमान पर कच्चे तेल में उपस्थित चीजें अलग अलग पाइपों द्वारा निकाल ली जाती हैं। इस प्रकार पेट्रोलियम का एक हिस्सा पेट्रोल के रूप में प्राप्त हो जाता है।